तो गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में और प्रोजेक्ट का नाम है निराला स्टेट। यहाँ आपको दिखाएंगे हम 3 BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट और बहुत ही प्राइम लोकेशन है। पूरा प्रोजेक्ट MyOne पे इन्होंने बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्ट किया है और पूरा प्रोजेक्ट SBI से अप्रूव्ड है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू और इसकी आपको लोकेशन दिखाएंगे और फिर आपको इसका दिखाएंगे कि पूरा पूरा अंदर से प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। आइए चलिए। तो गाइज अगर रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो गौर चौक से हार्डली 3 या 4 मिनट का रास्ता है और ये रोड जो आप देख रहे हैं इसका मेन रोड है जो गौर चौक से सीधा आ रहा है और आपका सीधा जाके परी चौक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाता है। इस रोड को जो बोलते हैं नॉर्मली सूरजपुर हाईवे बोलते हैं या रोड बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे मेन रोड पे ही ये पूरा प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। इसके साथ में जो आपको मिल जाती है पूरी ब्रॉड सर्विस रोड मिल जाती है, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी सर्विस रोड इस पूरे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती है। देन सर्विस रोड के आगे जो आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल योर ग्रीन बेल्ट, पूरी ग्रीन बेल्ट ऑल टुगेदर पूरे रोड पे आगे एस्टेब्लिश्ड है, पूरी फैली हुई है। और ये गाइज आपका प्रोजेक्ट है जो आपको सामने दिख रहा है कि आपको देख सकते हैं कैसा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मेन रोड पर सिचुएटेड है, लोकेशन बहुत ही प्राइम रहेगी। आइए आपको चलते हैं इसका कमर्शियल एरिया और आप अंदर से प्रोजेक्ट दिखाते हैं। आइए। तो गाइज फ्रंट में आप देख सकते हैं ये पूरा इनका कमर्शियल स्पेस रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे पूरी शॉप्स रहेंगी आपकी रिटेल और जो आपको ऊपर वाले फ्लोर दिख रहे हैं यहाँ पे आपके क्लिनिक और चिल्ड्रन स्कूल या ऑफिसेज आएंगे। बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही वाइड मार्केट है ये। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं कि ऑल टुगेदर जहाँ तक आप देख रहे हैं फ्रंट की बिल्डिंग वहाँ तक ये पूरी मार्केट इस्टेब्लिश है। इसके आगे आप जैसे ही चलेंगे इसकी फेज़ 1 ऑलरेडी ये कम्प्लीटेड है इस प्रोजेक्ट का, अब ये फेज़ 2 है जो टोटल 15 एकड़ का है। एक इसकी एंट्रेंस आगे रोड पे भी है और ये इनकी एक फ्रंट की एंट्रेंस डेडिकेटेड ही फेज़ 2 के लिए बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्रॉड एंट्रेंस इन्होंने क्रिएट करी है। तो गाइज हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं, अभी हमने साइड गेट से एंट्री ली है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और जैसे कि आप ये टावर देख रहे हैं दिस इज़ ऑल रेडी टू मूव इन टावर। और थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू भी देंगे आपको कि कितने एकड़ में है और क्या इसकी टोटल इसमें लैंड और टावर बन रहे हैं। साथ वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भूटानी का आपका ग्रैंथम है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसी के साथ में आपकी पूरा एक कमर्शियल हब भी आएगा। टोटल एरिया की अगर बात करें तो टोटल 15 एकड़ में ये फेज़ 2 बन रहा है आपका, टोटल 19 टावर इसमें से आ रहे हैं और 19 टावर में से आप मान के चलिए 14 से 15 टावर रेडी टू मूव इन स्टेज पे हैं। पूरी कंस्ट्रक्शन आपकी MyOne की रहेगी 100%, SBI अप्रूव फंडेड प्रोजेक्ट है, पूरा पेड अप प्रोजेक्ट है ये और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट है। तो आइए चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिख रहा है रेडी टू मूव इन और कैसा एक एक्चुअल 1250 स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट दिखता है। तो ये गाइस आपका रेडी टू मूव इन टावर है, आप देख सकते हैं पूरा रेडी है ये, इवन पेंट वर्क भी कंप्लीट हो चुका है इसका। ये इसकी आगे आपकी एंट्रेंस हॉल भी रहेगी, डबल हाइटेड एंट्रेंस रहेगी इसकी आपकी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं 1250 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट। आइए। तो गाइज ये एक 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो हम एक्चुअल कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ योर ड्राइंग एंड डाइनिंग, इसी के साथ में आपकी पहली बालकनी आ जाती है और ये फ्रंट में आपकी पूरी ये बालकनी रहेगी आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग की। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रूम मिलेगा जिसके अंदर आपको अलमीरा स्पेस दे रखा है प्लस शाफ्ट एरिया दे रखा है फॉर वेंटिलेशन। इसके बाद आपको किचन जो है ओपन किचन मिलता है, पूरा स्पेस आप देख ही सकते हैं किचन का, बहुत ही एम्पल स्पेस है। और इसी के साथ में आपको एक यूटिलिटी बालकनी भी मिल जाती है इसके साथ। ये कुछ आपका फ्रंट आपका पार्क रहेगा। दीज ऑल टावर
are ready to move. इसके बाद गाइस, इसके बाद आपका एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है जिसके अंदर आपको बिल्डर फॉल सीलिंग और सारे जो फिटिंग्स है करके देंगे. देन आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है, यहाँ आपकी अलमीरा स्पेस रहेगी और ये आपकी बालकनी स्पेस रहेगा. ये देख सकते हैं बालकनी भी बहुत स्पेशियस बालकनी है इसकी. इसके बाद हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में, जो कि बहुत ही स्पेशियस मास्टर बेडरूम है विद अटैच्ड वॉशरूम. इधर आपको अलमीरा के लिए स्पेस मिल जाता है. देन आपका एक वॉशरूम आपको मिल जाता है पूरा, और इसके साथ में भी आपको एक अटैच बालकनी मिल जाती है. गाइस, जितना भी ये स्पेस आप ओपन देख रहे हैं, ये पूरा पार्क ही डेवलप होगा. ऑलमोस्ट 5 एकड़ का ये पार्क डेवलप करके इन बिटवीन दिस टावर ये दे रहे हैं. इस फेज का जो रेडी टू मूव इन है, इसका ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और बाकी आप देख रहे हैं कि बाकी कंस्ट्रक्शन हो रही है. ये जो टावर आपको दिख रहा है, ये इसका दिसंबर में पोजिशन शुरू है, और जो सामने वाले आपको टावर दिख रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट ईयर पोजिशन मिलेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो ये गाइस पार्क के बीच में से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, एंड दिस इज़ योर ऑल पार्क एरिया. थोड़ा सा आपको नीचे से वहाँ का एरिया भी काफ़ी आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि कितना बड़ा एरिया रहेगा ये पार्क के लिए. ये जो पूरा आपको दिख रहा है, दिस विल ऑल बी योर पार्क एरिया इन फ्यूचर. जो ये डेवलपमेंट इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, जैसे आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है इन टावर्स का ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं इसके बाद क्लब एरिया, कि क्लब रेडी हो चुका है इनका, और ऑलमोस्ट 50,000 acres में ये क्लब आपको दे रहे हैं. 50,000 square feet सॉरी में क्लब आपको बनाया गया है, और आपको दिखाते हैं क्लब एरिया कैसा दिखता है और क्या क्या फैसिलिटी है. आइए. तो गाइस, क्लब हाउस दिखाने से पहले, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ देयर फेज़ वन, जो कि ये डिलीवर कर चुके हैं, और देख सकते हैं बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड है ये. ऑलमोस्ट 100% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है ये. इसके बाद आपको दिखाएंगे इनका एक क्लब हाउस जो इन्होंने सेंटर में बना रखा है. तो गाइस, अब आपको थोड़ा क्लब हाउस का ओवरव्यू दे देते हैं. ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए 45,000 square feet में ये पूरा क्लब हाउस बना हुआ है, और 2 फ्लोर हैं इसमें. आइए आपको अंदर क्लब हाउस दिखाते हैं कि क्या क्या अमेनिटीज आपको इसमें मिलेंगी. तो ये गाइस इसकी एंट्रेंस रहेगी, ये इनकी एंट्रेंस लॉबी है, और ये पूरा आपका इसका रिसेप्शन रहेगा. नीचे ही इन्होंने एक कम्युनिटी हॉल पूरा डेवलप करके दे रखा है, जिसमें आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं. वो आपको थोड़ा दिखाते हैं इसमें कैसा आपको पार्टी हॉल मिलेगा. तो यहीं से हॉल की एंट्री शुरू हो जाती है. दिस इज़ योर गेट वन. जितना भी आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल योर क्लब हाउस एरिया. इसके अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको एक मिनी थिएटर भी मिलता है. अभी ये अंडर रिनोवेशन है तो इसलिए लॉक्ड है, और यहाँ आके सारे आपके बैंक्वेट के अलग अलग गेट्स हैं. अगर आपको इंडिविजुअल पार्टी करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं. अंदर अगर आप आएंगे तो ये पूरा इनका पार्टी हॉल रहेगा. साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज पार्टी हॉल इन्होंने डेवलप किया है, और बहुत ही अच्छी लेवल की आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं. चलिए, इसके बाद आपको दिखाते हैं इनका ऊपर क्लब हाउस और स्विमिंग पूल वाला एरिया, कि क्या क्या साइज़ इसमें मिल रहे हैं आपको. चलिए. तो गाइस, इसी पार्टी हॉल के साथ आपको ये फुली फर्निश्ड बेडरूम्स भी साथ में देते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस.
तो अगर कोई आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो वहाँ आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं आके। तो ये भी आपका इसका पार्ट है। आइए आपको दिखाते हैं ऊपर इनका स्विमिंग पूल वाला एरिया और इनका जिम और बाकी क्लब हाउस। तो गाइस जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, एंट्री करते ही आपको पूरा जिम सेक्शन मिल जाता है। और जिम में आपको दिखा देता हूँ ऑलमोस्ट कैसा दिखता है। बहुत ही ह्यूज जिम आपको मिलेगा, इसमें सारी फैसिलिटी है, सारे इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद आप जैसे ही आएंगे आगे, जिम के बाद आपको इंडोर प्लेइंग एरिया मिल जाएगा। ये भी काफी अच्छे साइज में बनाया गया है। सारे इंडोर गेम्स की फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। और ये इनका प्लस फर्स्ट फ्लोर का पूरा रिसेप्शन एरिया रहेगा। इधर से आपको थोड़ा इंडोर गेम्स का एरिया दिखा देते हैं कैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। तो गाइज ये जो आपको फ्रंट में दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल का एरिया है। बिकॉज दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन तो अभी सिक्योरिटी पर्पज के लिए बंद किया हुआ है, बट ये पूरा एरिया आपका स्विमिंग पूल रहेगा जितना भी आपको दिख रहा है फ्रंट में। इसके बाद गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस इंडोर क्लब एरिया, इन्होंने एक किड्स एरिया भी डेवलप करा है, तो ये भी अभी क्लोज है। देन ये आपका सेम इंडोर क्लब एरिया हो गया और यहाँ से आपकी जिम की एक और एंट्रेंस आ जाती है। तो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा, पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन स्टेज पे है। काफ़ी फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है और काफ़ी लोग मूव इन होना चालू भी हो गए हैं। क्लब हाउस इसका पूरा रेडी है और पूरी कंस्ट्रक्शन माइबन पे है, तो आप श्योरली इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप क्वालिटी की बात करें कंस्ट्रक्शन और अगर आप लोकेशन की बात करें। तो गाइज़ अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM भी कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।